लगाओ मेरी नैया सतगुरु पार, 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 तुम बिन नहीं कोई कारण हारा, तुम बिन कोई कोई कारण हारा, तुम बिन नहीं कोई कारण हारा, तुम बिन नहीं कोई कारण हारा, लगा दो डूबी खेप किनारे, 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 लगाओ मेरी नैया सतगुरु पार, लगाओ मेरी नैया सतगुरु पार। ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए जो हमारी ये नाव भवसागर में फंसी पड़ी है, किसी के पास न नाव न बल्ली है तो ये उस पार कैसे जाएगी। कहा सतगुरु दाता दयालु ये नाम की नौका लेके आते हैं और भवसागर में हम सब जीवों के लिए लगाते हैं और कहते हैं सत्संग बच्चों की बल्ली लगा करके कहा इसको उस पार करते हैं। तो हमें कहा तुझ तो डूब रही है, कोई निकालने वाला कारण हर माने निकालने वाला कोई नहीं, जितने आए सब फंसे रहे, ऋषि आए मुनि आए योगी आए योगेश्वर आए मतलब यानी अवतारी शक्ति आए ये सब आए, ये सब की नैया डूबी गई क्योंकि उनको निकालने वाला उस समय कोई सतगुरु ध्यान नहीं आए थे। जो नाम नौका लेके आता है वही निकाल सकता है, बाकी सुनाने वाले और बताने वाले तो बहुत आए लेकिन निकालने वाला कोई नहीं आया। तो कहते ऐसी प्रार्थना करो सतगुरु स्वामी दाता दयाल से जो भवसागर से हमारी आपकी नैया को निकालने के लिए ये जय गुरुदेव नाम की नौका बेड़ा लगा दिया। और कहा था मैंने इतना बड़ा जय गुरुदेव नाम का जहाज लेके आया हूँ, अगर सारा विश्व मेरे जय गुरुदेव नाम के जहाज पर सवार हो जाए तब भी मेरे जहाज का एक कोना ही भरेगा, कितना बड़ा लेके आए तो क्या जहाज खाली चला गया। जो कह रहे हैं कि जहाज लाने वाला और खेक उस पर ले जाने वाला और सुतों को घर पहुंचाने वाला कैसे मर गया, तो फिर इसको कौन ले जाएगा। है किसी के पास नाम नौका, है कोई ऐसा जानकार जो महासागर में फंसी हमारी आपकी नाम नौका को यानी लगा करके हमारी आपकी जीवात्मा को बैठा कर उस पार कर दे। देखो कितनी बड़ी चीज, कितना बड़ा काम हमारा आपका होना है जो किसी युग में नहीं हुआ, लेकिन हम सब इतने भोले भटके हैं कि मतलब यानी समझ ही नहीं पाते, क्योंकि जब आप वचनों को नहीं सुनोगे तब तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा वचन का मतलब बचाने वाला निकालने वाला। जब कोई निकालने वाला बचाने वाला आएगा तभी तो आपकी समझ में आएगा, तभी हमारा हमारी आपकी ये नौका भवसागर के उस पार जा सकती है, बाकी ये पूजा पाठ से नहीं जाए। कितने दिनों से लोग पूजा पाठ कर रहे, कितने व्रत विचारे रहे, कितने नाना तरह के कष्ट उठा रहे हैं, लेकिन इस भवसागर में फंसी नैया के बारे में होशन नहीं किसी को, तो भाई ये कौन निकालेगा। आगे समझा के क्या करना, सहेली मत तू मनो में हार, सहेली
मन में हार पहली मत तू मन में हार दिखा मुझ जग का हर और पार दिखाऊं जग का हर और पार दिखाऊं जग का हर और पार दिखाऊं जग का हर और पार लगाओ मेरी नैया सतगुरु पार लगाओ मेरी नैया सतगुरु पार देखो कितना हमदर्दी में सोए सहजी है जीवात्मा तू चिंता मत कर तुझे उस पार आर और पार इधर का उधर का सब दिखाऊंगा लेकिन तुम विश्वास के साथ मेरी इस्लाम नौका पर बैठ जाओ मैं तुमको तुम्हारे घर पहुंचाऊंगा इधर का भी उधर का ये दोनों झगड़े झंझट आपके खत्म कर दूंगा आगे क्या कह रहे हैं कि चढ़ाऊं सूरत उलटी धार चढ़ाऊं सूरत उलटी धार चढ़ाऊं सूरत उलटी धार चढ़ाऊं सूरत उलटी धार सत संग खेप लगाऊं पार सत संग खेप लगाऊं पार सत संग खेप उतारूं पार सत संग खेप उतारूं पार लगाओ मेरी नैया सतगुरु पार लगाओ मेरी नैया सतगुरु पार ऐसे नाम नौका पर चढ़ाकर उल्टी धार यानी इधर से उधर जो भवसागर की धारा में बह रहे हैं इनको उधर से निकाल करके इस जीवात्मा सूरत को उधर पहुंचाऊंगा और शब्द का सहारा देकर ये उसकी खेप उतार कर पार करूंगा देखो कितना बड़ा संकल्प लेके आए महापुरुष और क्या कहते हैं कि गुरु को धरल ये में संभार गुरु को धरल ये में संभाल गुरु को धरल ये में संभार गुरु को धरल ये में संभाल नाम धुन घट में सुन झनकार नाम धुन घट में सुने झनकार नाम धुन घट में सुने झनकार सुने झनकार लगाओ मेरी नैया सतगुरु पार लगाओ मेरी नैया सतगुरु पार का इधर उधर से ध्यान हटाकर जब गुरु के अपने हृदय में संभाल के रखोगे बसाओगे क्योंकि वही इस खेप को उस पार ले जाने वाले हैं इस नैया को भवसागर से निकालने वाले हैं कहते नाम धुन घट में सुन झनकार जो अंदर में आवाज आ रही है नाम की इसी को हिंदू महात्माओं ने कहा शब्दवाणी आकाशवाणी अनेक वाणी ईश्वर वाणी और मुसलमान फकीरों ने कहा कलमा और आयत का एक 24 घंटे आवाज हो रही है लेकिन जब कान बंद है तो सुनेगा कौन जब दोनों आंख जीवात्मा की बंद है एक आंख जो जीवात्मा की बंद तो उधर मतलब देखेगा कौन जैसे शरीर में दो आंख और दो कान दो नाक सुराख इसी तरह जीवात्मा में एक आंख है एक कान एक नाक और वो बंद हो गया जब इधर के बंद हो जाए शरीर के तो कुछ दिखाई सुनाई देगा आपको तब आप तलाश करते हो किसी
डॉक्टर वैद्य हकीम को मतलब यानी कोई जानकार मिल जाए और हमारी आँख का नाक ठीक कर दे, तो अगर जानकार मिल जाए और जड़ी बूटी कोई औषधि कोई दवा कोई रसायन दे दे तो काली आँख का ठीक हो जाती। लेकिन जो जीवात्मा का आँख का मुद्दतों से पड़ा सतयुग से दादवा पर 5,500 वर्ष के युग के निकल, ये आँख का नाक सब इसका बंद है और इस पर कोई गौर ख्याल किसी ने किया नहीं, क्योंकि लोग जानते नहीं, वो जीवात्मा के बारे में कुछ नहीं जानते, वो तो शरीर इंद्रियों के बारे में। यहाँ बताया गया कि तपस्या करो त्याग करो राज और पाठ धन और दौलत औरत और बच्चे सब मिल जाएंगे, लेकिन परमात्मा नहीं मिलेगा। इससे बात तो मिलने की परमात्मा की है, क्योंकि जीवात्मा परमात्मा की है, जब तक तो उसको नहीं पाएगी उसको संतुष्टि कैसे होगी। तो देखो संभाल के क्या कह रहे हैं कि चढ़ाओ सूरत को उल्टी धार, जो ये सूरत जीवात्मा इधर वो सागर में फंसी पड़ी है इसको उधर उधर की तरफ जहाँ इसका घर मुकाम मंडल है उसी उसी की तरफ ले जाऊंगा। और शब्द के संग जब संग शब्द का साथ कर लेगी तो ये खेत यानी आपकी बार ये अपने घर चली जाएगी, क्योंकि बिना शब्द के नहीं जा सकते, शब्द इसका आधार है। जब आधार मिल जाएगा तो शब्द को पकड़ कर चली जाएगी। आगे क्या कह रहे तरंगे उठ रही बारंबार, तरंगे उठ रही बारंबार, तरंगे उठ रही बारंबार, तरंगे उठ रही बारंबार, हमर जहाँ पड़त बहुत अपार, 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 लगाओ मेरी नैया सतगुरु पार, लगाओ मेरी नैया सतगुरु पार। वहाँ इतनी तिरंगे उमंगे लहरें पड़ रही और वहाँ इतने भंवर, एक भंवर में अगर जल की एक भंवर में फंस जाए तो डूब जाता है, और वहाँ तो अनंतो भंवरे कैसे निकलेगी, इसको निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जो निकालने आया है वो सर्वशक्तिमान है, सब तरह की शक्ति सामर्थ्य लेके आया है, तब उसने भूमंडल पर ये आवाज लगाई है, ऐ जीवात्मा मैं तुमको महासागर से निकालने के लिए तुम्हारे घर पहुंचाने के लिए आया हूँ, लेकिन तुम मेरी सलाम नौका पर तो बैठ जाओ। लेकिन कोई बैठ नहीं रहा, क्यों? नाव लगाई शब्द की गुरु ने, चल बैठे कोई सूर, कहा कोई सूर भूर बैठेगा, ये लोभी लालची ये आलसी ये नहीं बैठ सकते, ये कामी क्रोधी लोभी कहते उसने अब सवार नहीं होंगे। जब ये 5 साल निर्मल इधर से हो जाएंगे का वो जीवात्मा वो सूरत रो उस नाम नौका पर सवार होगी और भाव सागर से निकल जाएगी अपने घर की तरफ। आगे क्या कह रहे हैं, मेहर से पहुंची तस में द्वार, 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 सतगुरु स्वामी दीना पार उतार, सतगुरु स्वामी दीना पार उतार, सतगुरु स्वामी दीना पार उतार,
सतगुरु स्वामी दीना पार उतार लगाओ मेरी नैया सतगुरु पार लगाओ मेरी नैया सतगुरु पार आओ बिना सतगुरु स्वामी के बिना उनकी दया कृपा मेरा मेहरबान की का इस नैया भवसागर से कोई निकाल नहीं सकता। जितने आए सब फंसे ही तो रहे निकला को और ये भी नहीं पता कोई निकालने वाला है कि नहीं, क्योंकि जब कोई जानकारी नहीं मिली उनका कोई इतिहास को तो लिखा नहीं गया, क्योंकि आए नहीं थे तो इतिहास को लिखता। अब ये मौका अवसर कितने युगों के बाद हम सब जीवात्मों को मिला है, तो मैं आपको बड़ी होशियारी बड़ी चौकसी के साथ अपना ये काम बना लेना चाहिए। कहते हैं सतगुरु स्वामी दीना पार उतार, जब उनकी शरण में चले जाओगे उनके वचनों को मानोगे हुकुम आदेश का पालन करोगे नाम की कमाई करोगे तब उनकी दया कृपा मेहरबानी से आप उस पार जा सकते हो, अन्यथा बहुत ही मुश्किल है। वो कितने युगों का झगड़ा झंझट ही है, तीन तीन युगों का था, पर इस कलयुग में हमें आपको उतरने का मौका मिला है। लेकिन ये भी अगर मौका तुम्हारे हाथ से निकल गया तो फिर ये अवसर फिर नहीं मिले, फिर कभी आवन हो न हो पता नहीं, मानव शरीर मिले मिले न मिले, मानव शरीर के जानकार सब सतगुरु मिले मिले न मिले, वो ऐसी दया कृपा मेहरबानी नाम की बख्शीश न दे न करे तो फिर ये काम कैसे होगा। यही हमें आपको समझना चाहिए। इसीलिए महापुरुषों ने कहा उनके दर्शन की प्यास हमेशा रखनी चाहिए। जब जब संत जगत में आवे खोज भाग उनके ढिंग जाओ हाजिर रहो गिरो चरणों में करो बंदगी नित मिलाए तब कहीं जीव की संभाल हो सकती। लेकिन इधर आना ही मुश्किल है, आना है तो रुकना मुश्किल, क्योंकि अंदर काल धक्का मार रहा है चलो 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 यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा। अरे जो संसार में है उनको देखो क्या मिल रहा, वो मिल रहा कि मिट्टी में मिल रहे, सारा जीवन इसी भोगों में मिला मिल गया और चला गया व्यर्थ में, उन्हें क्या मिला तो तुम्हें क्या मिल जाएगा। लेकिन ना तुम उधर देखते हो और ना इधर समझते हो, दोनों चीजें तुम्हारे बस की नहीं। रोज उधर देख रहे हो कि लोग मार पड़ रही है लेकिन फिर उधर देखते नहीं हो, और इधर जो मार तुम्हारी कैसे बचे जो समझा रहे उसको समझते नहीं, फिर काम कैसे होगा। यही तो हमें आपको देखना चाहिए। कहा कि दर्शन की प्यास रखो, जितनी बार मिल जाए जैसे मिल जाए टकटकी लगा कर देखो तो ये धीरे धीरे सब बस जाएगा तुम्हारे अंदर। जैसे संसार को देखते रहो तो संसार बस गया, ऐसे अगर आत्म को देखते रहो समझते रहो तो सुनते रहो और करते रहो तो ये भी बच जाएगा, जब ये बच जाएगा तो वो रह नहीं सकता अंदर। जैसे दिन होता तो रात नहीं रह सकती, रात है तो दिन नहीं होगा, ऐसे जब वो बच जाएगा अंदर में तो फिर वो रह नहीं सकता क्योंकि उसके लिए जगह नहीं रहेगी। तो ये निश्चय करना तो बड़ा मुश्किल है, और निश्चय करके फिर निर्णय लेना और निर्णय लेकर अपनी दृढ़ता मजबूती ये सब बनाना बड़ा मुश्किल है। कहा बिना दया के कुछ नहीं होगा, जब पता चल गया कि हमारे बस का नहीं है और हम नहीं लगा उधर जा सकते तो कम से कम किसी को सौंप दो, किसी को सौंप दो कि मेरे बस का नहीं है अभी हमारा काम आप कर दीजिए। जब तन मन सब सौंप दोगे तो तुम्हारे पर कोई दोष नहीं लगेगा। जब सब कुछ दे दिया कि नई विद्या नई बाहुबल नई खर्चन के दाम और मुंह से पति तपंगी तुम पत्रा को, जब ऐसा भाव अंदर में बन जाएगा मेरे पास कोई बल पुरुष कोई शक्ति ताकत नहीं है समझने की सोचने की करने की तो आप दया कर दीजिए। लेकिन आप सौंपते भी तो नहीं, कहां सौंपते हो, जरा सा जैसे जो कपड़ा गंदा हो जाता है और आपके बस के नहीं रहता तो आप वो धोबी को दे देते, धोबी माने जानकार जो उस गंदगी को हटाने का जानकार है आप उसको सौंप देते,
जब उसको सौंप देते हो तो उसके घर को ही तुम देखने जाते हो, कैसा मसाला लगा रहा, कैसे उसकी पिटाई छटाई कर रहा है, कुछ नहीं देख रहे, क्योंकि आपको तो मतलब हमारा कपड़ा साफ होना चाहिए। इसी तरह ये तन रूपी कपड़ा इतना गंदा हो गया, जितनी बार मिला उतनी बार भोगों में, काम करो लोमो अहंकार में हमने आपको इसको गंदा ही किया, इतनी गंदगी चढ़ गई है, अब हमारे आपके बस की बात नहीं। जब बस की बात नहीं है, जो धोने के लिए आया उसे सौंप दो, सौंप दो उसको, कहा धो दिया, अब की बार ऐसी क्यों न धो दे, कोई दाग न रहे, दाग न रहे चुनरिया, कैसा कोई दाग न रहे, यानी कोई कर्म चाहे पाप हो पुण्य हो कोई कर्म न रहे, एक कर्म दाग ही तो है, का कोई कर्म न रहे ऐसी धो दो सदगुरु प्रिया मेरी, धो दो चुनरिया ऐसी धो दो कि मतलब यानी कोई और दूसरा रंग भी न लगे, कोई दूसरा न लगे, चाय धो दो चाय मंगा दो, कहा प्रेम नगरी की लागी बजरिया, तुमने जो प्रेम नगर की बाजार लगाई है ये तो बाजार और कहीं नहीं लगी, कहीं प्रेम की बात नहीं है, सब में स्वार्थ लोभ लालच और सब में फसाओ लगाओ, कहा तो सब जगह तो यही है, आपने अनोखी जो बाजार प्रेम की लगा दी है, कहा बस इसी में काम हो जाएगा, लेकिन समझ में इतनी आ जाए, इतना विश्वास अंदर हो जाए, अभी तो डावाडोल हो, कभी इधर कभी उधर कभी उधर संसार में गए, अरे कल बस ये ठीक है, इधर आए कल बस ये ठीक है, अभी निर्णय कहा लिया, अभी एकदम दृढ़ता मजबूती नहीं आई, जब दृढ़ता मजबूती आ जाएगी तो मीरा की तरह रात पार धन दौलत सब छोड़ करके उसने स्पष्ट कह दिया, कहा कि साधु संग बैठ बैठ लोग लाज खोई, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, मेरे तो सतगुरु दयाल दूसरों नहीं कोई, उसने स्पष्ट कर दिया। बड़ा सताया घर वालों ने, सभी ने ससुराल में बाकी में सब जगह सारी दुनिया मतलब नहीं, वो इस रस जानती नहीं, वो विषय रस में पान करने वाले, विषय रस में डूबे रहने वाले, ये नाम का रस क्या जाने, उन्हें क्या पता कि नाम रस क्या होता, जिसको मिल गया वो पागल हो गया, पागल यानी पाकर के गल जाना, पाकर के मिल जाना, उसी का हो जाना, उसी को सच्चा पागल कहते। अगर पागलपन चढ़ जाए तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा, क्यों पागल देखते हो किसी तरफ ध्यान नहीं देता, वो बड़ी मस्ती में रहता है, लेकिन अब उसको अगर इधर अमाप अध्यात्म में पागल हो जाए, अध्यात्म में पागल हो जाए तो संसार बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, ऐसे जैसे है ही नहीं, कोई कुछ कहे कुछ समझ में नहीं आता, ना कुछ सुनाई देता ना कुछ दिखाई देता है, इतना नाम रस में डूब गया। मीरा और सरजू भाई कलयुग में कितनी स्त्रियों ने पाया, क्योंकि ये आत्मा मिलन सबके लिए है, अन्य युगों में तो स्त्रियों को सौभाग्य नहीं था, वो क्योंकि ये मिलन था नहीं, अन्य युगों में तो था कि स्त्री धर्म और नहीं दूजा, और पति और सास ससुर को पूछा बस इतना, इसलिए कि ये मर्यादा में रहे, जब मर्यादा में रहेगी तो पाक साम निर्मल पवित्र रहेगी, आगे संत महापुरुष आएंगे तो जीव को निकालने में देर नहीं लगेगी, फिर वो स्त्री धर्म में नहीं किसी धर्म में किसी शरीर में पहुंच जाए कर्मानुसार, उनको तो आत्मा से मतलब, उनका रिश्ता तुम्हारे तन से, तुम्हारे शरीर से, तुम्हारे रूप रंग से, तुम्हारी जाति पाति से, तुम्हारी धन दौलत से, तुम्हारे मान सम्मान से कोई रिश्ता नहीं, उनका सिर्फ रिश्ता है तुम्हारी जीवात्मा, उनको जीवात्मा दिखाई देती, तुमको जाति पाति और शरीर रूप रंग दिखाई देता, यही तो अंतर है। कहा जब उस रंग में डूब जाओगे तो सारे रंग फीके हो जाएंगे, उसके आगे कोई रंग नहीं चलेगा। काली कामर चढ़े न दो जो रंग, कहा जब इस तरह से नाम के रंग में रंग जाएगी तो संसार का और भोगों का रंग आप पर चल नहीं सकता, इधर नहीं आ सकता। लोगों मेरा ने तो यही कहा था, पहले बेचारी बहुत रोई,
जब तक सतगुरु दाता दयालु नहीं मिले। बहुत रोई, इतनी रोई कि विरह के आंसू से एकदम अपने को सराबोर कर दिया। कहा बस तू अमोलक दी मेरे सतगुरु कर कृपा बनायो, मायने में तो नाम रतन पायो। अब मुझे मिल गया श्री धन, अब ये तुम्हारा खजाना और ये सोना और चांदी और ये सामान कपड़े और गहने लगते में कुछ नहीं चाहिए, अब हमको तो मिल गया, मिल गया मुझको। कैसे मिला? कहा खोजत खोजत मेरे संत सतगुरु रविदास, बहुत खोजा बहुत ढूंढा लेकिन खोजने से नहीं मिला, वो खुद ही मिले। वो मिल जाते हैं लेकिन कुछ न कुछ परिश्रम आपसे कराते हैं ताकि जो चीज परिश्रम मेहनत से मिलेगी उसकी लोग कदर करते हैं। वो तुम कदर करोगे तो कह दी खोजत खोजत मिले संत सतगुरु रविदास, रविदास जी मिले। अब वो तो जात के चमार थे, जब चमार को गुरु बनाया था। अरे गुरु ज्ञान होता है, ज्ञान गुरु होता है, जाति और शरीर और रूप रंग और धन और दौलत यवान और सम्मान और ये विद्या गुरु नहीं होती। कहा खोजत खोजत मिले संत सतगुरु रविदास, जिन दियो नाम सहदानी। उन्होंने नाम की बख्शी दे दी, नाम का सहारा दे दिया। कहा कि खोजत खोजत मिले संत सतगुरु रविदास, जिन दियो नाम सहदानी। तब पिया पाए पाए पी अपना, तब मेरी पीर बुझानी और मीरा खाक खनक सहदानी। ऐसा रास्ता दे दिया कि हमको अपना सच्चा पिया प्रीतम मालिक मिल गया। तो फिर बहुत बहुत पहले बहुत रोई और जब मिल गए तो बहुत हंसी, बीड़ा बजा कर इतना मतलब यानी हंसी इतना खुश हो गई कि हमको अपनी चीज मिल गई, हमको चीज को मिलाने वाले मिल गए। अगर संत रविदास जी न मिलते तो कहा ये काम हमारा कैसे होता। इसलिए महिमा यहाँ सदगुरु की है, सदगुरु की महिमा। जिन दियो नाम सैदानी, जिन्होंने नाम का सारा नाम की बख्शीश दे दी और वह नाम का सारा मिल गया, बस मैंने अपना काम शुरू कर दिया। उनकी दया हुई, अपना नाम शुरू काम शुरू कर दिया। अब जब करोगे नहीं तो दया थोड़ी होगी, जब करने लगोगे जहां कोई अटक भटक होगी तो फट से दया से तुम्हारा सुधार हो जाएगा। लेकिन तुम करने के लिए भी नहीं तैयार हो, करते नहीं हो, इतना आलस, सुबह कर लेंगे दोपहर कर लेंगे शाम को कर लेंगे, यही करते करते सारा जीवन निकल गया, फिर कब करोगे। अरे उधर तो आपने कर लिया, क्या मिला? शरीर की शक्ति थी वो भी चली गई, मिला मिला कुछ नहीं। जो शरीर की ताकत थी, जो श्वासों की पूंजी, वो भी चली गई और बाद में रोने की सेवा कुछ नहीं मिला। इसीलिए कहा कि अगर जवानी में बचत कर लो जल्दी हो जाए। जवानी में सख्त सामर्थ्य होती, बर्दाश्त क्षमता होती, प्यास की भूख की सब तरह की। अभी तो यार तुमको बचनों की बर्दाश्त नहीं, कोई कुछ कह दे तो फौरन उबल पड़ोगे, एकदम उबल पड़ोगे। जबकि बर्दाश्त ही संत मत का सच्चा साधन है। अगर बर्दाश्त करना सीख जाओ तो फिर तुम्हारे ऊपर किसी का असर नहीं होगा। कोई क्यों कह रहा है, क्या कह रहा है, वो उसकी समझ, जो देख रहा है वो कह रहा, लेकिन जो तुम हो वो उसे दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि अध्यात्म इन आंखों से देखा नहीं जा सकता, अध्यात्म इन कानों से सुना नहीं जा सकता, अध्यात्म इन बुद्धि से विचार नहीं किया जा सकता। वो तो दया पर निर्भर है, और दया कब होगी, जब आदेश हुकुम का पालन करो।